आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? तो आज हम देखने वाले हैं श्रीकांत का ऑफिशियल ट्रेलर। तो गाइस आज हम लोग देखने वाले हैं राजकुमार राव की मूवी श्रीकांत का ऑफिशियल ट्रेलर। तो एक दो तीन चलो। मैं बायोलॉजी पढ़ना चाहती हूँ और लाइफ साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। थैंक यू। हेलो सर, आई वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर। थैंक यू। नाइस। हेलो सर, आई वांट टू बी अ स्पेस रिसर्च साइंटिस्ट एंड टू बी द फर्स्ट मैन ऑन मार्स। थैंक यू सर। राजकुमार राव। हेलो सर, सर मैं देश का पहला विजुअली चैलेंज प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। थैंक यू सर। व्हाट इज योर नेम यंग मैन? सर माय नेम इज श्रीकांत बोला। हाँ तो भाग जाता ना वहाँ से। कहाँ भागता नाना, मैं भाग नहीं सकता, सिर्फ लड़ सकता हूँ। लोगों ने कहा श्रीकांत हो रजनीकांत नहीं, मुंह के बल गिरोगे। उसने कहा पता ही है, ऐसा लग रहा है कि हमको ये फिजिकली चैलेंज है, मतलब इनको दिखाई नहीं देता और ये रनर रनिंग करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, और इनको लोग परेशान कर रहे हैं उस चीज से। अभी तक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो अच्छा लगा, क्योंकि कॉमेडी बहुत अच्छी है इसमें, और क्योंकि राजकुमार राव है एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, और मुझे लग रहा है कि रियल लाइफ की वो है। हां बॉय इज श्रीकांत। 12th स्टैंडर्ड में श्री को 98% आए थे। श्रीकांत एडमिशन भी आर्ट्स में ही हुआ है, मान नहीं रहे कॉलेज वाले। पर क्यों? विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम में साइंस का ऑप्शन ही नहीं है। मैं पढ़ूंगा तो साइंस ही पढ़ूंगा, चाहे जो हो जाए। इसीलिए केस करना है। किस पर? कॉलेज इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर। सर श्रीकांत, आपने न्यूटन के बारे में तो सुना ही होगा। सर न्यूटन ने ग्रेविटी जरूर डिस्कवर की थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि उससे पहले किसी ने एप्पल को गिरते हुए नहीं देखा होगा। पर किसी ने ग्रेविटी के बारे में नहीं सोचा सर, उसके लिए आंखें नहीं चाहिए। tan square theta plus 1 is equal to sec square theta. Sec square. इंडिया के किसी भी कॉलेज ने जिसे पैसे भरकर भी एडमिशन नहीं दिया, उसे दुनिया के टॉप 4 यूनिवर्सिटीज ने स्कॉलरशिप देके बुलाया है। तुम सच में बहुत इंटरेस्टिंग आदमी हो श्रीकांत। तुम्हारे कोर्ट के इस नहीं, इसमें ऐसा लग रहा है कि जो राजकुमार राव है उनको कोई एडमिशन वगैरह दे नहीं रहा है, और वो बहुत आगे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन फिजिकल चैलेंज की वजह से, मतलब जो उनको दिखाई नहीं देता तो कॉलेज एडमिशन नहीं दे रहा, साइंस तो, नहीं दे रहा। हाँ साइंस नहीं दे रहा। क्रिकेट MIT सबके बारे में पता है मुझे। सर विजुअली इंपेयर्ड पर्सन कैन नॉट ट्रैवल अलोन इन द फ्लाइट। आप समझ नहीं रहे, मेरा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा MIT में एडमिशन हुआ है। आई कैन नॉट लेट यू फ्लाई अलोन। Sir, I need you, of course. I need your help. Excuse me, please, please help me. Sir, आप प्लीज इनको बोल दीजिए आप मेरे साथ हैं। मेरा एडमिशन नहीं होगा पढ़ना। Someone please help me. लोगों को तो लगता है कि ये ट्रेन में गाना गाने के लिए ही बने। मुझे भीख नहीं मांगनी है टीचर, मुझे पढ़ना है टीचर। हम डिसेबल लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करेंगे। और जॉब क्रिएट कैसे होंगे? आपको पता है एक विजनरी आदमी ने ऑलरेडी मेरे स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दिया है। कौन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आपने अपने दिमाग में हमारे लिए अलग ही कहानी बना रखी है। बेचारा कितना बुरा हुआ इसके साथ, कुछ बुरा नहीं हुआ है हमारे साथ, और बेचारे तो हम बिल्कुल भी नहीं है। आप हमारे चक्कर में मत फंसना, आपको बेच के कहां जाएंगे हम। अंधा के मदद करो। पैसे दे रहे हो? मुझे दो, इसे हम जॉब देंगे। बिल्कुल। तो और शिवानी कैसा लगा श्रीकांत का ऑफिशियल ट्रेलर? बहुत अमेजिंग लगा मुझे, बहुत इंस्पायरिंग था। जैसे लोग अंधे होते हैं, लोग उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, और उनको सिर्फ यही सोचते हैं कि ये कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये मूवी में हमको दिखाया कि हाँ वो लोग भी, डिसेबल लोग भी कुछ कर सकते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, वो सिर्फ भीख मांगने या फिर दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं है। और मतलब अब तक का सबसे बेस्ट ट्रेलर मुझे बेस्ट ट्रेलर लगा मुझे ये भी। और हाँ। मुझे सबसे अच्छे इसमें डायलॉग्स लगे। और इसमें जो राजकुमार राव, मतलब सही एक्टर को चूज किया इन्होंने, मतलब सूट भी कर रहे हैं कि ये हाँ ये सूट कर रहा है। और कोई हीरो वगैरह लेते हैं तो उनपे सूट भी नहीं करता वो चीज, है ना। हाँ।
तो अच्छा लगा, हैट्स ऑफ यू राजकुमार राव एंड रिया और शिवानी, क्या तो क्या बोलूं मैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।